करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है, अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहें, यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि इस सफर में कई उतार चढ़ाव के बाद पूर्वोत्तर का यह राज्य एक अहम पड़ाव पर पहुंचा है जहां से उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। भाई और बहनों, 50 वर्ष की यात्रा के बाद आज मणिपुर एक अहम पड़ाव पर खड़ा है। मणिपुर ने तेज विकास की तरफ सफर शुरू कर दिया है। जो रुकावटें थी वो अब हट गई हैं। यहां से अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो मणिपुर को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिले 75 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए ये मणिपुर के लिए भी विकास का अमृतकाल है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,47,254 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 2,51,777 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। एक रिपोर्ट। 29,722 ज्यादा हैं। कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले आए थे। इस दौरान 703 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है जबकि 2,51,777 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 20,18,825 सक्रिय मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी की दर 17.94% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,692 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में
इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 4,283 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि इस दौरान 2,449 नए मामले भी सामने आए हैं। इस अवधि में 10 लोगों की मौत भी कोविड के कारण हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 25,578 रह गई है। इस बीच राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच दर को संशोधित करते हुए 4 की जगह 300 रूपये कर दी है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 50 रूपये का भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,60,43,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। गोड्डा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। किशोरों का कहना है कि सरकार ने 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका दिलवाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। राज्य सरकार ने 15 साल से 18 साल के लोगों के लिए स्क्रीनिंग का व्यवस्था करवाई है, बहुत अच्छा। भारत ही ऐसा देश है जहाँ 150 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक पूरा हो चुका है। वैक्सीन निकाला है, हम लोग को इसका बेसब्री से इंतजार था कि जो 15 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो लोग को भी वैक्सीन आए, ताकि वो लोग कहीं भी जाए तो वो लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। अश्नवी कुमारी है, मैं यहाँ वैक्सीन लेने आई हूँ। प्रधानमंत्री ने ये आयोजन को चलाया है और सभी को लेना चाहिए, इस वैक्सीन से हमें बहुत अच्छा फील होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में 160 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के बाद भी कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। वयस्क आबादी को कोविड टीके की पहली डोज लग गई है और 72% पात्र आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। 15 से 18 साल की आयु वर्ग के किशोरों में 52% को भी टीके की पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 जनवरी तक 63% हेल्थ केयर वर्कर्स और 58% फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती खुराक दे दी गई थी। साथ ही 39% पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक दे दी गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रातू रोड से पिस्का मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पिछले दिनों मुलाकात की थी। इसके बाद श्री गडकरी ने 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दे दी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह प्रक्षेपण कल ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की टीम के साथ किया था। तो नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक सिद्ध हो गई। हाल के दिनों में भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के नए नए वेरियंट का परीक्षण कर रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एएफसी महिला एशिया कप 2022 में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए पूरे एआईएफएफ परिवार को अपने हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। कोडरमा जिला टीकाकरण अभियान में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 3 दिनों में 23,000 बच्चों ने टीका लगवाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। जिले के उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों का टीकाकरण के इस महाअभियान को सार्थक बनाने के लिए आभार जताया है। भाकपा माओवादियों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर आज से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
पलामू जिले के मोहम्मदगंज जपला मार्ग स्थित भोला मोड़ के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। रांची जिले में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए उपायुक्त द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ योजना के तहत लाभुकों की पोर्टल पर एंट्री के कार्य समीक्षा की। देवघर जेल में बंद एक कुख्यात आपराधिक सरगना 12 सदस्यों को अपराध की योजना बनाते पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सदस्यों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुंदन के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि कुंदन की लंबी न्यायिक हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने राष्ट्रीय मतदाता तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीबी के एक्टिव मामलों का पता लगाने के अभियान में जुटे लोग अब वैक्सीनेशन के कार्य में भी मदद करेंगे। इसे देखते हुए जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एएफसी महिला एशिया कप 2022 का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि एएफसी महिला एशिया कप के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य को फुटबॉल खिलाड़ियों की नर्सरी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पार्ल के बोलैंड पार्क स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एक दिवसीय मुकाबला खेलने उतरेगी। बोलैंड पार्क में खेले जाने वाले इस मैच में राहुल एंड कंपनी की कोशिश सीरीज में बराबरी करने की होगी। वहीं पहले मैच में हुई गलतियों से सीखकर भारतीय टीम आगे बढ़ना चाहेगी। पहले मैच में बुमराह को छोड़कर कोई भी भारतीय तेज गेंदबाज प्रभावित नहीं कर पाया। टीम में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार एक भी अफ्रीकी बल्लेबाज को आउट करने में नाकाम रहे। ऐसे में अगले मैच में भुवनेश्वर की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है। वहीं टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शार्दुल ठाकुर भी खासे महंगे साबित हुए। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में हाथ दिखाते हुए अर्धशतक जड़ा था। बल्लेबाजी की बात करें तो पहले वनडे में भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण टीम इंडिया की बल्लेबाजी रही। कोहली और शिखर धवन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। ऐसे में दूसरे एक दिवसीय में सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है। बात अगर आंकड़ों की करें तो भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक बार अफ्रीकी सरजमी पर श्रृंखला जीतने में कामयाब रही है। पिछली बार टीम इंडिया ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में 6 मैच की सीरीज में 5-1 से हराया था, जबकि 4 वनडे सीरीज में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 1992 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 7 मैच की सीरीज खेली गई थी, जिसे अफ्रीकी टीम ने 5-2 से अपने नाम किया था। इसके बाद साल 2006 में भारतीय टीम लंबे समय बाद दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलने गई। 5 मैच की वनडे सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 4-0 से अपने नाम किया। भारत को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। पहला वनडे बारिश के कारण रद्द रहा था। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 5 वनडे की सीरीज खेली, जिसमें भारत को फिर से निराशा हाथ लगी। ये सीरीज पिछली दोनों सीरीज से ज्यादा रोमांचक रही। हालांकि टीम इंडिया 2-3 से सीरीज हार गई। धोनी की ही कप्तानी में साल 2013 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में 3 वनडे की सीरीज खेली। एबी डिविलियर्स की टीम 2 मैच जीतकर सीरीज में विजेता बनी। एक मैच में नतीजा नहीं निकला था। 2018 में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रचा। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने में सफल रही। 6 मैच की सीरीज को टीम इंडिया ने 5-1 से अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आईसीसी ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को महामुकाबला देखने को मिलेगा। के साथ इसका समापन होगा। आईसीसी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार भारत को पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसमें 2 क्वालिफायर टीमें भी होंगी। भारत का पहला मैच पाकिस्तान से होगा, जो 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों के बीच ये महामुकाबला मेलबर्न के ग्राउंड में खेला जाएगा,
इसके बाद भारत 27 अक्टूबर को ग्रुप ए के रनर अप के खिलाफ सिडनी में उतरेगा। भारत का इसके बाद अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में 30 अक्टूबर को होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत 2 नवंबर को एडिलेड में 2-2 हाथ करेगा। वहीं भारत अपने सुपर 12 का अंतिम मैच ग्रुप बी के विनर के खिलाफ मेलबर्न में 6 नवंबर को खेलेगा। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक विक्षोभ विकसित हो रहा है, जिसका असर झारखंड पर भी दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि 2 दिनों की बारिश के बाद 25 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। न्यूनतम तापमान है रांची में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान, जमशेदपुर में 9 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 6.4 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 7 डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह में 6.9 डिग्री सेल्सियस और बोकारो थर्मल में 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। योग गुरु स्वामी मुक्तरथ इन दिनों राजधानी रांची में लोगों को सूर्य नमस्कार के गुर सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य यदि प्रतिदिन सुबह में एक बार सूर्य नमस्कार कर ले तो वह सदैव स्वस्थ रहेगा। उन्होंने सूर्य नमस्कार के विभिन्न आसनों की जानकारी दी। आसन में श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्तानासन। तीसरा आसन है कमर से नीचे झुकेंगे, पाद हस्तासन। चौथा आसन है दाहिना पैर को पीछे जमीन पर रखेंगे और आकाश की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन। पांचवा आसन है पर्वतासन। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अंधकार को दूर कर रात्रि पाठशाला के माध्यम से शिक्षा की रोशनी फैलाने की कोशिश में जुटे हैं एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी। इनके प्रयास से रांची, गुमला और लोहरदगा जिले के लगभग 80 गांवों में पिछले कई वर्षों से रात्रि पाठशाला चलाई जा रही है। रांची जिले के मांडर प्रखंड अंतर्गत उजरी गांव के सैकड़ों बच्चे हर दिन शाम ढलते ही कॉपी किताब लेकर रात्रि पाठशाला का हिस्सा बनने के लिए चल पड़ते हैं। नियमित रूप से बच्चे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शुरू होती है पढ़ाई। रात्रि पाठशाला के संचालन में गांव के ही अनिल उरांव और अन्य शिक्षकों की अहम भूमिका है। खास बात यह है कि यहां पढ़ाने वाले शिक्षक एक समय में खुद रात्रि पाठशाला के छात्र हुआ करते थे। पाठशाला में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दी जाती, बल्कि शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और कंप्यूटर का भी नियमित प्रशिक्षण कराया जाता है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से 7-8 साल पहले मैं इस गांव में रात्रि पाठशाला का शुरुआत किया था। मैं 4 बच्चों से शुरुआत किया था। अभी लगभग 200 प्लस विद्यार्थी इस रात्रि पाठशाला में पढ़ते हैं और
यहाँ से मतलब टोली है बघिया टोली, 1.5 किलोमीटर वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और पिछले 2 साल में जो कोरोना रहा उसमें भी हम लोग पूरा लॉकडाउन या कोरोना का जो नियम है उसको प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए हम लोग कभी रात्रि पाठशाला को बंद नहीं किए, 1 से 10 तक पढ़ाई की। और अभी ग्रेजुएशन करते हुए इन बच्चों को मैं भी शिक्षा दे रही हूँ। और मेरा में जो बदलाव हुआ तो मैं भी चाहती हूँ कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए गाँव के बच्चे भी अच्छी तरह से रात्रि पाठशाला में पढ़ाई करें। रात्रि पाठशाला के छात्र छात्राओं में भी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा देखने को मिलती है। बच्चे साल स्वेटर पहनकर नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित नजर आते हैं। तो हम लोग शाम को यहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे जो अनिल सर है और सीबन मैम है वो लोग हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव में शिक्षा का अलग जगाने का यह अनूठा प्रयास पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अरुण उरांव का है। रिटायरमेंट के बाद गांव के बच्चों को उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और आज 3 जिलों के कई गाँव में रात्रि पाठशाला चल रही है। तो उन दिनों में गरीब बच्चे जो रांची और आसपास के ग्रामीण इलाके के उन बच्चों को पढ़ाया करता था शनिवार इतवार को, तो उन्हीं बच्चों के बीच से मैंने कुछ को चुना और ये समझा कि ग्रामीण इलाके में जहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ही कमज़ोर है, सरकारी स्कूल उतनी ताकत के साथ नहीं चल पा रहे हैं या उनको जो डिलीवरी करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सप्लीमेंट करने के उद्देश्य से दिमाग में रात्रि पाठशाला शुरू करने का विचार है। तीनों जिलों में पिछले 8 वर्षों से चल रही रात्रि पाठशाला में लगभग 300 शिक्षक और 4000 से अधिक बच्चे हर दिन शामिल होते हैं। रचनात्मकता की मिसाल ऐसी है कि सभी शिक्षक बगैर वेतन लिए बच्चों को निशुल्क शिक्षा देते हैं। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस के बारे में। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वॉयसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अयप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया।
जापान सरकार ने बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी और मलयाली लेखक वाईकॉम मोहम्मद बशीर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 21 जनवरी 1908 को कोट्टायम के तलायोला परांबू में हुआ था। उन्हें प्यार से बेपोर सुल्तान कहा जाता है। बचपन से ही बशीर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा के प्रति आकर्षित थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मालाबार जिला पहुँचे बशीर को गिरफ्तार करके कन्नूर जेल भेज दिया गया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद बशीर और उनके साथी 600 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन संगठित किया और क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम के संपादक बन गए। उससे नाराज अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने 7 वर्ष तक भारत, एशिया और अफ्रीका में कई स्थानों की यात्रा की। 1941 में बशीर को कोट्टायम से गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। बशीर को क्रांतिकारी विनम्र लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1994 को उनकी मृत्यु हुई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। एनसीसी के कैडेटों को पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी 28 जनवरी को होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में ये कैडेट पैराशूट की मदद से हवा में उड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। कहा, तीर्थ स्थलों से बढ़ती है भारतीय एकता। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच अब 300 रुपये में और रैपिड एंटीजन टेस्ट 50 रुपये में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एएफसी महिला एशिया कप में मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के प्रति मुख्यमंत्री ने जताया आभार। और राजधानी रांची समेत कई इलाकों में 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। मन की बात है जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। झारखंड के पर्यटन मानचित्र में केचकी का अहम स्थान है।
यह पर्यटन स्थल लातेहार जिले में अवस्थित है।